मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बीच कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रदीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। जायसवाल ने कहा मध्य प्रदेश में कोई और सरकार बनेगी तो वे उसे समर्थन दे सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे इलाके का विकास प्राथमिकता है। जोर तोड़ से चल रही कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में जब तक कमलनाथ सरकार है तब तक वे कमलनाथ सरकार के साथ हैं, उसके बाद यदि कोई अन्य सरकार बनती है तो उसमें भी शामिल होने का विकल्प उनके पास खुला है। जायसवाल ने साफ कर दिया है कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो वो भी समर्थन दे सकते हैं। प्रदीप जायसवाल बालाघाट जिले की बारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीते थे और पिछले सवा साल से कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं और मंत्री बने हुए हैं। देखिए, सरकार जब तक कमलनाथ जी है तब तक तो जायसवाल साथ में है। सरकार अगर गिरती है कभी भविष्य में, कभी ऐसा होता है तो जैसा क्षेत्र के लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, क्षेत्र के लोगों के मंशा के अनुसार क्षेत्र के विकास के लिए सरकार में शामिल होने में मेरा विकल्प खुला रहेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।